जालंधर से आपको आज की बड़ी रिपोर्ट बता दें। बेस्ट हल की बूटा मंडी बिजली दफ्तर के बाहर सरकार के खिलाफ अकालियों और बीएसपी नेताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार को कोसा। सीनियर अकाली नेता मनजीत सिंह टीटू ने पंजाब सरकार के खिलाफ भड़ास निकालते हुए कहा कि आम जनता पंजाब सरकार की नीतियों से पहले ही दुखी है। कोरोना महामारी से अभी लोग उभरे भी नहीं है कि सरकार ने पंजाब में बिजली कट लगाने शुरू कर दिए हैं। इन बिजली कटों के कारण आम जनता त्राही त्राही कर रही है। अमीर लोग तो किसी न किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन बढ़ती गर्मी में बिजली कटों के कारण गरीबों का क्या हाल है, इससे सरकार बेखबर है। सीनियर अकाली नेता कीमती भगत ने भी सरकार के खिलाफ भड़ास निकाली और इस प्रदर्शन में बेस्ट हल के विधायक के खिलाफ भी मोर्चा खोला है। इस अवसर पर बीएसपी नेता अनिल कुमार, सुखविंदर सिंह अलग, त्रिलोचन सिंह छाबड़ा, अकाली नेता इंद्रजीत बब्बर, गुरप्रीत सिंह तलवाड़, नरेंद्र नंदा, ज्योति टंडन, गुरप्रीत सिंह, विजय यादव, दविंदर गोगी व अन्य शामिल थे। जालंधर से संवाददाता राजीव धामी के साथ ईशान जुनेजा की खास रिपोर्ट।